अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आज हम बनाते हैं चिकन दो प्याज़ा। ये बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। एक पैन लीजिए, उसमें 1 से 1.5 कप तेल डालकर गरम करें और उसमें 3 प्याज डाल के, मीडियम प्याज डाल के उसे काट के बारीक बारीक फ्राई होने तक करें। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो उसे आप निकाल लें और प्याज को मसल लें। अब उसी तेल के हमने अंदर 1/2 kg चिकन डाला और ये कुछ स्पाइसेस डाले, कुछ खड़े मसाले हमने इसमें डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और दही भी साथ साथ डाल दिया। इसको अच्छे से मैच करें, मसाला तेल सब भुन जाएगा एक साथ और इसमें एक अलग सी खुशबू आएगी। ये देखिए, अब ये सब इसमें रच बस गए इसके सारे मसाले। इसे ढक के 5 से 10 मिनट बनाइए। देखिए, बिल्कुल लाजवाब और बहुत टेस्टी बनता है। इसमें पानी पानी होगा, उसी पानी में ये बनेगा, प्याज का पानी, दही का पानी, उसी के अंदर ये तैयार होकर निकल जाएगा। बहुत ही लजीज बनेगा, बहुत शानदार, कि आपको सब बोलेंगे। फिर इसमें हमने जो प्याज ब्राउन करके रखी थी वो इसे डाल दें, इसमें डाल दें। वो प्याज डालते ही इसका एक अलग ही लुक और कलर आ जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब बनेगा। प्लीज़ आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब इसने 5 से 7 मिनट से आप और देखिए, अगर इसमें चिकन में गल वो कसर है तो आप इसे ढक के 2 से 3 मिनट फिर छोड़ दीजिए। और इसमें तो उसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। अगर आपको इसके अंदर हरी मिर्च पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी मोटी वाली वो डाल दीजिए। अब हमने इसमें ऐड करना है सिरका लगी प्याज। मेरे पास छोटी वाली प्याज नहीं थी, बड़ी थी, मैंने उसे काट के और सिरके में भिगो के 10 से 15 मिनट रख दी। अब प्याज को 5 से 7 मिनट ही इसमें धीमी आंच पे छोड़ दीजिएगा, प्याज भी गल जाएगा और जो सिरके से इसका टेस्ट आएगा वो वाकई लाजवाब होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बनाया है, ऐसा लगेगा जैसे आपने ये बाहर बनाया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसे ढक के छोड़िए 2 से 3 मिनट। जब अब इसे देखेंगे बिल्कुल तैयार, परफेक्ट इसे निकलना है। आप इसे जैसे मन चाहे ऐसे खाएं, रोटी से, नान से, कैसे खाएं। ये देखिए कितना इसका मज़ेदार लुक है और बहुत ही टेस्टी ये लगता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसा बना है आपका। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये बहुत अच्छा बनेगा, जैसे मुझसे बहुत अच्छा बनता है आपसे भी बनेगा। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आता है, आपके यहाँ भी सबको पसंद आएगा। शुक्रिया।